Assalamu alaikum subscribers and viewers, Fishing Group Karachi. कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग आज रेहड़ी गोट से शिकार के लिए जा रहे हैं. ये अभी लांच पे सामान रखा जा रहा है. ये सामान की सेटिंग हो रही है. अबे बोतल दो, बोतल क्यों निकाली बाहर? ये बहुत सारी कश्तियां खड़ी हुई हैं यहाँ पे. ये जी रेहड़ी गोट के नज़ारे हैं. ये देखें, ये बरनी है जिसमें गुल्ले गुल्ले डाले जाएंगे, जिंदा झींगा रखा जाएगा. कार के साथ साथ स्पेशल प्रोग्राम में खाने पीने का, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं नूरदीन साहब, हॉबी है कुकिंग उनका. आज वो हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह वो खाना बनाएंगे और हम खाएंगे. आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हमारा साथ दीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा. बहुत शुक्रिया. ये जट्टी पे आने का एंट्रेंस. व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी और उम्मीद करता हूँ आप इंजॉय करेंगे. और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगेन एंड अगेन बंडल ऑफ थैंक्स. दिखाइएगा दिखाइएगा. कलीम भाई और ये बेहतरीन कुकड़िया, जबरदस्त. दीन उस्ताद कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर दिखाने के मूड में है. अब देखते हैं क्या होता है. और ये ओ बेहतरीन, जबरदस्त. ये दीनू उस्ताद ने हीरा मारा है. दीनू उस्ताद, दीनू उस्ताद किस चारे पे? चारा बताओ क्या था? ये भाई हमारे लांच पे आए हैं इस मरतबा नूरदीन जंगी साहब, प्रोफेशनल कुक हैं. आप इनकी नफासत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि ये टमाटर को भी छील के इस्तेमाल करते हैं. देख रहे हैं आप? ओ उस्ताद ने कहा टमाटर की खाल उतार देते हैं. ये देखिए आप, ये इनकी नफासत है. और अभी दोपहर का खाना बन रहा है और आप देखेंगे ये सारे मसाले अपने हाथ से खरीदते हैं, खुद पीसते हैं उनको. देखें, और ये चौधरी मामदीन, ये मसाले कूटते हैं. और यहाँ भी जो अदरक वगैरह का पेस्ट बनाना था उसके लिए. बाकी मज़ीद हम आपको पूरा खाना इनका बनाते हुए हम आपको दिखाएंगे. बाकी ये सारी पार्टी, ये नलका चल रहा है जो मीठा पानी निकालने से. और ये हमारे उस्ताद हैं, ये मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं. और ये हमारे उस्ताद हैं एक, जो आसाम तो कर लें आप. ये नईम साहब हैं, इनको आप बहुत पहले से देख चुके हैं, बहुत मरतबा देख चुके हैं. और ये हमारे कलीम भाई हैं, शर्माते हैं कैमरे की तरफ, मुंह कभी भी नहीं करते. ये हैं जनाब राशिद भाई जो बिस्किट खा और खिला रहे हैं लांच पे. ये दही में मसाले मिक्स हो रहे हैं.
अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना तैयार हो गया है, खुशबू तो बहुत अच्छी माशाल्लाह आ रही है। अब खाएंगे तो पता चलेगा, हम भी इंजॉय करते हैं और आप लोग भी इंजॉय करें। अरे वाह, नईम भी माशाल्लाह है, नईम भी साथ आ गए, नईम भी आ गए और ये भी आ गए। किस पे खाना खा रहे थे? खाना खा रहे थे गुल्ला शरीफ, जिंदा गुल्ले पे माशाल्लाह बेहतरीन। भाई इन्होंने ये कुकड़ी निकाली है, भाई किस चारा क्या है ये? नजर तो आ नहीं रहा है, आटे पे या आटे पे? देखो यार आंतों पे, यार बोलो ना, आटे नहीं बोलो आप, आंतों पे निकाला भाई माशाल्लाह। ये पकौड़ा टाइम है भाई, शिकार करने आए थे, पकौड़े बना के खाए जा रहे हैं। ये हमारे उस्ताद नूरुद्दीन जंगी साहब, नाम तो नूरुद्दीन साहब जंगी हम कहते हैं प्यार से। ये लंगड़ी की डोर बनाई थी जिसपे कुकड़ पकड़े में कामयाब हो गए। एक कांटा खाया और दो कांटे खाए, दोनों तो खाए निकाल दिया ना। ये हमारे शुएब भाई हैं, वो भी लगाया होता है, दोनों लगाई दी। ये उस्ताद की पसंद, ये हैं जी हमारे उस्ताद हमीद, लेकिन शिकार भी अच्छा करते हैं। और ये कुकड़ मारा इन्होंने और जिंदा उस पे गुल्ले पे, ये भी ये हमारे कलीम भाई ने डाठी मारी है माशाल्लाह बेहतरीन जबरदस्त। और ये एक तनर्चे को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने वाले हैं हमीद उस्ताद और कांटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं नईम भाई। हमारे नूरुद्दीन साहब जो अच्छे कुक तो थे लेकिन एक अच्छे शिकारी भी साबित हो गए। उन्होंने सुबह से बहुत सारे दाने मारे लेकिन बैटरी लो होने की वजह से हम नहीं कवरेज कर सके, तो अभी चार्ज किया मोबाइल तो ये इनका दाना है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सूजी का हलवा बना रहे हैं लंच पे, ये सूजी इन्होंने जो है वो भून के रखी हुई है। ये जी फाइनल स्टेज पे हलवा माशाल्लाह। और ये कलीम भाई हैं, हेल्पिंग हैंड हैं नूरुद्दीन साहब को। और उस्ताद हैं और ये खाने के लिए मछली तैयार कर रहे हैं, चीर रहे हैं माशाल्लाह। और ये देखिए आप कितनी सफाई और सुथराई कर, कितने एक्सपर्ट है माशाल्लाह। Oh,
अच्छा ये डाँटी थी, ये कोई 3-3.5 किलो का दाना था, माशाल्लाह इन्होंने काटा है और अभी जो है ना ये खाना तैयार हो रहा है। नाज़रीन, शिकार के दौरान खाने पकाने से जो मछली बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी बच गई है और अब इसके हिस्से हो रहे हैं ताकि हर टीम मेंबर अपने अपने घरों को लेके जाएगा और फिर इस तरह ये लोग अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ ताज़ा मछली खा के दोबारा एंजॉय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे टूर के बाद हम लोग खैर वाफियत के साथ वापस रेहड़ी रोड पहुँच गए हैं।